हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए। आज हमारा टॉपिक है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी कई सारे केसेस बन सकते हैं। हम आपको दो केसेस यहाँ पर बनाकर दिखा रहे हैं। पहला ये कि तीनों की कंसेंट्रेशन सेम हो, यानी कि तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम हो, और दूसरा ये है कि तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो, कंसेंट्रेशन उनकी अलग अलग हो, और भी हो सकते हैं, दो सेम हो सकते हैं, एक डिफर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बताया कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के तीन अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, उन्हें तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या बेटा? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के तीन अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, उन्हें तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया जैसे a प्लस ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग जो होगा वो k a की पावर a की कंसंट्रेशन 1 b और फिर ये a a a, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, ओवरऑल 3, तो ऑर्डर 3 हो गया। ऐसे ही a b c डिफरेंट डिफरेंट लेने पर a की पावर 1 b की पावर 1 c की पावर 1, तो यहाँ पर भी ऑर्डर 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसकी बेसिक चीज हम लोगों ने प्रारंभ में ही पढ़ ली है, यानी प्रॉब्लम आगे बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स पर ध्यान देते हैं कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। ठीक है भाई, हो जाए। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल देखिए, आपको याद होगा मैंने पहले पढ़ाया है, जब मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, 2NO प्लस O2 और इससे बेटा क्या बना था, 2NO2। याद है कि नहीं याद है? अब यहां पर जो अभिक्रिया का वेग dx/dt होगा वो होगा K और NO की कंसंट्रेशन की पावर 2 और O2 की पावर यहां पर 1। अब दोनों को बेटा ऐड करके देखा जाए तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहां पर जो आपका ऑर्डर हो गया यानी कि कोटि हो गया, 2 + 1 = 3 हो गया। बताइए इस एग्जांपल में कोई दिक्कत होगी? नहीं, क्योंकि एग्जांपल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे इसी से रिलेटेड मतलब ऐसे ही रिएक्शन हम लिख रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 2SO2 + O2 और इससे बन रहा है 2SO3। ये रिएक्शन भी आगे पढ़नी है, जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे तब वहां बहुत कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे तब इस रिएक्शन का यूज होगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ना है अपने सिलेबस में। तो यहां पर जो अभिक्रिया का वेग होगा dx/dt वो होगा के SO2 की पावर 2 और फिर O2 की पावर 1। अब आप यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी जो आपका ऑर्डर होगा यानी कि कोटि होगी वो भी 2 + 1 = 3 हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, आगे देखिए। तीसरा है कि अगर हम एग्जांपल ले लें 2CO + O2 फिर इससे बना दें 2CO2, तो यहां पर जो रेट इक्वेशन होगी dx/dt = kCO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 2, कंसंट्रेशन की पावर 2 और यहां पर 1, तो यहां पर भी अगर आप ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा बेटा, ऑर्डर 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने, आपको याद होगा FeCl3 + SnCl2 इससे बन रहा था FeCl2 + SnCl4। यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपकी थर्ड ऑर्डर की है। यहाँ पर जो रेट इक्वेशन लिखी जाएगी, दिख रहा है सभी लोगों को, dx/dt वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के FeCl3 की कंसंट्रेशन की पावर 2 और SnCl2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां पर भी जब आप ऑर्डर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका ऑर्डर 3 आएगा, भाई 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हम लोगों ने पढ़े एग्जांपल और उससे पढ़ी थी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनेशन, लेकिन आपको हम
कि हमारे एग्जाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में सब पढ़ ओके आगे बढ़ जाए। अब हेडिंग डालिए सभी लोग, त्रिकूट की अभिक्रिया का वेग समीकरण, रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तृतीय कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण, रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तृतीय कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण, रेट इक्वेशन इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक बेटा, तो यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस बनते हैं, हमें एक केस के बारे में चर्चा करनी है सिंपल सा, जिसमें सारे कंसंट्रेशन सेम होते हैं एबीसी वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिया ए और ए से बना रहे हैं क्या प्रोडक्ट, और यहाँ पर थ्री ए ले लिया भाई, ए प्लस ए है ना। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा बेटा, डीएक्स डीटी। अच्छा सॉरी बेटा, सबसे पहले कंसंट्रेशन आप कंसीडर कर लीजिए यहां पर, है ना, ऐसे ए प्लस ए, इससे बन रहा है प्रोडक्ट, ऐसा कंसीडर करके चलो, ठीक है, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। यहां पर शुरुआत में कंसंट्रेशन ए ए ए मान लीजिए, जब टाइम बिल्कुल भी नहीं था तो कितना बनेगा, जीरो। लेकिन जब यहां से एक्स निकल जाएगा तो यहां से भी क्या निकलेगा, एक्स, यहां से भी क्या निकलेगा, एक्स, और यहां क्या बनेगा, एक्स। ये होगा आफ्टर टी सेकंड, ठीक है। अब अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा डीएक्स डीटी इज इक्वल टू के ए की पावर वन, ए की पावर वन, ए की पावर वन, यानी कि ए की पावर थ्री हो जाएगा, और वैल्यू ए की क्या रखेंगे, ए माइनस एक्स। डीएक्स डीटी इज इक्वल टू के, और ए की कंसंट्रेशन बची कितनी है, ए माइनस एक्स का होल क्यूब। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब इस वैल्यू को नीचे ले आओ भाई, x वाला x के साथ और बाकी सब अदर साइड। तो dx अपॉन a माइनस x का होल क्यूब इज इक्वल टू k और dt। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, देन व्हाट विल हैपन हियर, dx अपॉन a माइनस x का होल क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत चर्चा अभी हम लोगों ने की थी, ठीक है भाई। अब इसको ऊपर ले जाइए आप, तो हो जाएगा a माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री, और dx के इस कॉन्स्टेंट सो टेक आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन एंड ओनली वन विल रिमेन, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अच्छा बेटा, आपको मैंने बताया था कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। तो a माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, a माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन, ठीक है, और ये निगेटिव है तो इसलिए यहां पर निगेटिव साइन भी लगा देंगे, और इज इक्वल टू k और वन का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, t और प्लस c। पक्का भैया जी? अच्छा, माइनस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया वन अपॉन टू, और a माइनस एक्स की पावर माइनस टू नीचे आ जाएगा, a माइनस एक्स की पावर टू इज इक्वल टू हो गया के टी प्लस सी। दिस इज कंसीडर्ड एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब वही चीज करेंगे जो अभी तक हमने किया हुआ है एट इनिशियल स्टेट, प्रारंभ में। तो प्रारंभ में क्या हो जाएगा भाई, प्रारंभ में एट इनिशियल स्टेट, बेटा जी प्रारंभ में टाइम आपका जीरो था, टाइम आपका क्या था, जीरो। तो कंसंट्रेशन जो थी वो भी तो जीरो थी, मतलब बन कुछ नहीं रहा था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो थी, वो भी कुछ नहीं बन रहा था, एक्स की वैल्यू जीरो थी। तो प्रारंभ में टी जीरो है तो एक्स भी कुछ नहीं था, तो एक्स भी जीरो हो गया। दोनों वैल्यू यहां पर रखिए, तो वन अपॉन टू ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ओनली, और इज इक्वल टू क्या हो गया, के इन टू जीरो, जीरो इज जीरो प्लस सी, यानी कि सी आ गया। अब सी की वैल्यू फर्स्ट में पुट अप कर लीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जरा फर्स्ट में देखिए बेटा क्या मिला, वन अपॉन टू
a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी और प्लस सी की जगह 1/2a². अब इसको इधर ले आइए, 1/2a - x का होल स्क्वायर माइनस 1/2a² इज इक्वल टू के टी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब आगे बढ़ जाए, इधर दिखेगा सभी लोगों को, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होगी, कर दे। चलो आओ देखते हैं भाई, तो के टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, हमने कॉमन कर लिया बेटा, क्या बचा 1/a - x का होल स्क्वायर माइनस 1/a². अब एलसीएम ले लीजिए, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, k इज इक्वल टू 1/2t 1/a - x का होल स्क्वायर माइनस 1/a². अब यहां जरा एलसीएम ले लिया जाए, तो k इज इक्वल टू 1/2t और यहां पर हमने एलसीएम लिया बेटा a - x का होल स्क्वायर और a², तो ये क्या हो जाएगा a² और माइनस a - x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो k इज इक्वल टू 1/2t a² - b² मतलब एक ब्रैकेट में a - b दूसरे में a+b, तो a - b a - a और -x और दूसरे ब्रैकेट में a+a - x और अपॉन में क्या हो गया a - x का होल स्क्वायर और a², इस a से a क्या हो गया कैंसिल, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/2t और x और a+a 2a - x अपॉन a - x का होल स्क्वायर और a². एनी डाउट? ठीक है बेटा, अब हेडिंग डाल लीजिए इसके बाद, इसी के बाद तुरंत अर्ध आयुकाल, सॉरी तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हेडिंग आप डाल लीजिए और उसके बाद फिर से यहां से लिखना चालू करिएगा कि हमने आपको बताया था a+a+a क्या था बेटा, यहां से बन रहा था प्रोडक्ट, शुरुआत की कंसंट्रेशन ए ए ए थी तो यहाँ जीरो था, ये आपका कब था जब टाइम बिल्कुल नहीं था, फिर एक्स निकल गया था, x बना था, this is for after t second, और यहां पर अब लिखेंगे अर्ध आयुकाल पर, अर्ध आयुकाल पर मतलब क्या हो गया बेटा एट हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड पर ही हम देख रहे हैं क्या होगा, तो बेटा हाफ लाइफ पीरियड क्या था, अर्ध आयुकाल मैंने आपको बताया था एक ऐसा समय जहां पर कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, बताया था ना मैंने, आ हो जा, तो टी जो है वो टी हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बची हुई मात्रा है रिमेनिंग अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा, तो जब ए बाई टू इधर लाएंगे तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी ए बाई टू। अब बात करेंगे वेग स्थिरांक पे, वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट, तो अभी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए बेटा हमने रेट कांस्टेंट डिराइव किया है, ये फॉर्मूला देखो यहां पर लिख दो, k इज इक्वल टू क्या है बेटा 1/2t और x 2a - x अपॉन a - x एक ब्रेक, चलो हटाओ दिखा रहे हैं, तो a - x का होल स्क्वायर और a², एनी प्रॉब्लम? पक्का सारी वैल्यू रखी जाए मेरे भाई, रख दो सारी वैल्यू, तो k इज इक्वल टू 1/2 t हाफ और x की जगह बेटा क्या रखोगे a/2 और 2a - x की जगह a/2 अपॉन बेटा a - x की जगह a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर इनटू a², कोई डाउट? दिख रहा सभी लोगों को? फिर k इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 t½ इनटू बेटा एक a/2 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जरा देखिए क्या हो जाएगा 3a/2 अपॉन बेटा नीचे एक a/2 बचेगा, a/2 इनटू a कितना हो जाएगा a/2 इंटू a², तो हो जाएगा a³ और / 2, जरा ध्यान देना सभी लोग, a/2 से एक a/2 कैंसिल, केवल a/2 ही बच रहा है यहाँ पर, तो a/2 इंटू a² यानी कि a³/2 और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पक्का यहाँ तक कोई दिक्कत? इरेज कर दें,
देख लो सभी लोग, ठीक फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होगा। हटा दे रहे, कोई पूछ रहा ये क्या नहीं हटा रहे हो हैं? अभी वजह बताएंगे भाई, रुक जाएगा 2 मिनट। तो अब k इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, 1/2 t हाफ, ठीक है बेटा। और ऊपर क्या बचा केवल 3 है, 2 तो कैंसिल हो गया। नीचे क्या बचा केवल a क्यूब, इससे क्या हो गया ये कैंसिल, तो क्या आ गया k इज इक्वल टू 3/2 और a स्क्वायर और t हाफ, a स्क्वायर एंड t हाफ। अब t हाफ की अगर वैल्यू लो निकाले बेटा, किसकी वैल्यू निकाले बेटा t हाफ की, तो t हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, t हाफ इज इक्वल टू 3/2 k और a स्क्वायर। तो देखो बेटा यहां से फिर एक रिलेशन आ गया, t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर। तो ये वाला रूल फॉलो हुआ, याद आया सब लोग, बोलो अपने मन में मेरे लिखने से पहले कौन सा रूल है, जिसने सारे लेक्चर पढ़े हैं उसको याद आ गया होगा ये t हाफ 1/a की पावर n-1, ये सब में देखो फॉलो हुआ था। इससे अभी देखना, अभी और हम लोग काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस रिलेशन से, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब हेडिंग डालिए सभी लोग, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, करेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डाल लिया। अच्छा, पहला नंबर, तृतीय कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के 3 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। इन थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण इतना होता है, रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दिस, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध इतना होता है, फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड इज दिस, ओके। अच्छा, चौथा, वेग स्थिरांक का मात्रक, तो बेटा आपको मैंने ट्रिक दी थी, आपको याद होगा मोल की पावर 1-n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। अब n की जगह रखना कितना है 3, तो 1-3 यानी कि -2, 3-1 यानी कि 2 और सेकेंड इनवर्स। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक इतना होता है, फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज दिस। ये हमारा तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी खत्म हो गया है बेटा। अब हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, थोड़ा बहुत पार्ट और बचा हुआ है, मुश्किल से 2 टर्म में या 3 टर्म में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स अच्छे से पढ़ेंगे इसके धीरे धीरे, और पढ़ाई को आप अच्छे बनाते रहिए, आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। ये समय जो है मुसीबतों भरा जरूर है, लेकिन हमको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा करके। फिर मिलेंगे नई शुरुआत के साथ, जय हिंद।